अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम MTH 501 के इम्पोर्टेंट शार्ट सीरीज ऑफ लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 को आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर के लिंक्स आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल के साथ डिस्कस करना है। आज तो हमने लेक्चर नंबर 9 में ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। अगर आप में से किसी ने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 9 देखे और ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से जो मेन चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड करें और उसके बाद लेक्चर नंबर 10 को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ओके, इस लेक्चर की आउटलाइन में जो टॉपिक्स हैं उनको हम एक नजर देख लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, देन एग्जांपल्स, ज्योमेट्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके हवाले से हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। एंड देन फाइनली एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ PFX गोज टू जीरो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन को अप्रोच करते हैं, तो इस हवाले से भी हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर में सबसे पहले जो एग्जांपल नंबर 1 है जो कि इस मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से जो है एक एग्जांपल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है वो गिवन है और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 में इसका जो कॉलम 1 है उसको हमने E1 बोल दिया है जिसमें 10 एंट्री है और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो कॉलम 2 है उसको हमने E2 बोल दिया है। Suppose T is a linear transformation from R2 into R3 such that, अच्छा वो क्या कह रहा है कि हमने जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सपोज की है वो R2 से R3 की तरफ है। ओके, ये जो मैपिंग है हमारे पास ये R2 स्पेस से R3 स्पेस पर है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो पहला हमारे पास कॉलम था जिसको हमने E1 बोला था, इस पर जब हम P अप्लाई करते हैं तो P ऑफ E1 हमारे पास ये R3 का एक वेक्टर हमारे पास आ जाता है। ये सारी चीजें हमारे पास गिवन है। सिमिलरली हमारे पास जब हम P को E2 पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास R3 का ये वेक्टर मिलता है विद नो एडिशनल इंफॉर्मेशन। फाइंड अ फार्मूला फॉर द इमेज ऑफ एन आर्बिट्रेरी एक्स इन R2। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं कि आप R2 के अंदर जितने भी एक्स हैं उनके लिए एक आर्बिट्रेरी फार्मूला फाइंड करें। देखिए, E1 पर हमने T अप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, E2 पर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की तो R3 का ये वेक्टर आ गया। लेकिन E1 और E2 के अलावा अगर कोई वेक्टर आए तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके हवाले से हमने एक फार्मूला जो है वो यहाँ पे जो है वो फाइंड करना है। वो फार्मूला हम कैसे फाइंड करेंगे, आप देख सकते हैं हमने एक पॉइंट लिया है x, एक वेक्टर लिया है x जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 x2। ये R2 में से हमने लिया है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R2 से R3 है। अगर R2 से R3 है तो R2 के जो पॉइंट होते हैं उनके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसको आप पॉइंट कह लें या वेक्टर कह लें R2 का, तो इसको हमने लिया। अच्छा, अब हम इसको, ये जो हमारे पास जो वेक्टर है इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको लेक्चर नंबर 7-8 में बताया था कि हम जो मैट्रिक्स होता है उसको हम एज ए लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x1 को बाई लिख लिया, 10 वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली x2 को बाई लिख लिया, 01 यहाँ पे लिख दिया। x1 को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, x2 को इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करें तो हमारे पास यही वाली फॉर्म दोबारा से बन जाएगी। ओके, अच्छा ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा है। अच्छा, ये हमारे पास जो 10 है ये हमारे पास E1 है जो कि इस यहाँ पे गिवन था, जो हमने I2 में से यहाँ पे सपोज किया था, और ये जो हमारे पास 01 है इसको हमने E2 बोला हुआ है। यहाँ पर x1 E1 आ गया और x2 E2 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनेगी, फिर आप देख सकते हैं कि x is equal to x1 e1 plus x2 e2. Since t is a linear transformation, क्योंकि t हमारे पास जो है वो linear transformation है, ये given है, तो जब हमारे पास given की equation है x is equal to x1 e1 plus x2 e2. क्योंकि t हमारे पास linear transformation है, तो इसके दोनों साइड पर t apply करें तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। हमारे पास यहाँ पे x1 जो है वो हम बाई लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, सी यू दिस इज इक्वल टू सी को हम बाहर लिखते हैं और टी एफ यू इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर x1 को बाहर लिख लिया और टी एफ E1 हो गया, प्लस x2 को भी हमने बाहर लिख लिया और टी एफ E2 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास ये जो टी एफ E1 है इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने देख ली है, हमारे पास E1 है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी,
या ई टू की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा, अब एक्स वन और एक्स टू को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वेक्टर को आप ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनली टी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन ही आ जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली आर टू के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए एक फार्मूला आ गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जब हमारे पास इवन हमें पता है, जो हमने पॉइंट दिया हुआ था पहले वन क्यूब। अच्छा, अब यहाँ पे पुट करें आप एक्स वन की वैल्यू जो है वो वन है और एक्स टू की वैल्यू जीरो है। आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं टी ऑफ वन जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पर आप पुट करें एक्स वन की जगह वन पुट करें और एक्स टू की जगह जीरो पुट करें तो ये फाइव आ जाएगा। यहाँ पर भी पुट करें एक्स वन की जगह वन और एक्स टू की जगह जीरो तो ये माइनस सेवन आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे टू आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो टी ऑफ ई वन की वैल्यू गिवन थी वो आप इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास वो वैल्यू है। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास वो वैल्यू है। देखिए टी ऑफ ई वन फाइव माइनस सेवन और टू के बराबर है, यहाँ पर भी फाइव माइनस सेवन और टू। तो ये जो हमने फार्मूला फाइंड किया है, ये फार्मूला बेसिकली आर टू के हर पॉइंट के लिए होल्ड करता है। ई वन पुट करें, ई टू पुट करें, कुछ भी पुट करें, वो पुट करेंगे तो हमारे पास आर टी का कोई पॉइंट जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला फाइंड कर लिया। होप सो आपको ये फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे पास वो जो मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैट्रिक्स होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है, वो बेसिकली मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं ये थ्योरम हमें बताते हैं। लेट टी हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि आर एन से आर एन स्पेस पर है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स ए सच दैट टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर एन। ये मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनफैक्ट ए इज द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स व्हिच जेथ कॉलम इज द वेक्टर टी ऑफ ई जे, वेयर ई जे इज द जेथ कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन आर एन। अच्छा, वो जो मैट्रिक्स होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, ये मैट्रिक्स बेसिकली किसके बराबर होता है? इसके कॉलम, जो पहला कॉलम होता है वो टी ऑफ ई वन होता है, जो दूसरा कॉलम होता है वो टी ऑफ ई टू होता है। अब ये जो E1, E2, E3 ये क्या है? ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम है। अगर हमारे पास एक n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका जो पहला कॉलम होगा वो E1 होगा, दूसरा E2 होगा, तीसरा E3 होगा एंड F2 so on। इसको चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं किस की बात कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 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
हमारे पास लास्ट वाला जो कॉलम आएगा वो क्या आएगा, 0 0 आपको कौन लास्ट पे बना देगा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है। इसका जो पहला कॉलम है इसको हम E1 कहते हैं, दूसरा कॉलम E2 कहते हैं, तीसरा E3 और जो लास्ट वाला है उसको हम EN बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो जो ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स इसके बराबर होता है, E1 उसका पहला कॉलम होगा उस मैट्रिक्स का, E2 उसका दूसरा कॉलम होगा एंड सो ऑन। यहाँ पर हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, ठीक है, अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे और मुझसे इसका प्रूफ जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है, ये जो मैट्रिक्स होता है ना ए, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। ओके, वी नो दैट एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Rn टू Rm इज अ मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, या मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर टू है, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए फॉर द डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हमने डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला है, लेक्चर नंबर 9 में इस हवाले से मैंने बताया था। इस एक्स के साथ अगर हमारे पास जो नंबर है वो अगर 1 से बड़ा आता है तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास g(x) है, तो इस वजह से हमने इसको डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन बोला है। फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए फॉर द डायलेशन ट्रांसफॉर्मेशन g(x) वेयर x बिलोंग टू R2। अब हमने वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करना है जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि उस स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं,
T आप P1, T आप P2, up to so on T आप PN, ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के कॉलम होते हैं। अब हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R2 से जो डोमेन है वो R2 है, क्योंकि देखने आप x जो बिलोंग करते हैं R2 से बिलोंग करते हैं, तो जो मैट्रिक्स होगा वो भी 2+2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस हमारे पास n+n मैट्रिक्स की बजाय हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, T of P1 मतलब उस मैट्रिक्स का पहला कॉलम इस तरफ से होगा, T of P2 उसका दूसरा कॉलम होगा। ओके, अब हम यहाँ पर इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके और इस मैट्रिक्स को यूज करके हम वो जो मैट्रिक्स है जो ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है उसको हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखें जरा, T of E1 किसके बराबर होता है, बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन x की जगह E1 पुट कर दें, तो यहाँ पर T of E1 दिस विल बी इक्वल टू 3E1 और यहाँ पर E1 की वैल्यू पुट कर दें 10 होती है, तो हमारे पास T of E1 किसके बराबर हो जाएगा 30। ये हमारे पास यहाँ पर आप पुट कर दें इस मैट्रिक्स में A इज इक्वल टू पहला कॉलम क्या आ जाएगा 30। अब दूसरा कॉलम कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा कॉलम बेसिकली बराबर होता है T of E2 के। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है इसमें x की जगह पे E2 पुट कर दें, E2 पुट कर दिया, 3E2 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 3 × E2 की वैल्यू पुट कर दें 0, 1, तो यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 0, 3, तो यहाँ पर हमारे पास 0, 3 लिख दें। इस तरह से हमने ये वाला जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का वो हमने फाइंड कर दिया। इन दोनों कॉलम को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम जरा आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, R3 से R3 पर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब R3 स्क्वायर से R3 पर ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका जो फार्मूला है वो ट्रांसफॉर्मेशन का वो गिवन है। ट्रांसफॉर्मेशन को आप P से शो करने L से शो करने एक ही बात है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली उस ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग L एंड वेरीफाई L(x) इज इक्वल टू AX। सबसे पहले तो हमने ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है A, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स A होता है उसके कॉलम्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R3 से R3 पर है, तो हमारे पास यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के कॉलम्स होंगे वो कितने होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो ट्रांसफॉर्मेशन की वो R3 है। तो ये R3 मैट्रिक्स होगा, ये T of E1, T of E2, T of E3, ओके, इसके बराबर होगा। अच्छा, अब सबसे पहले T of E1 हम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो जो E1 होगा बेसिकली E1 किसके बराबर होगा, E1 विल बी इक्वल टू हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3x3 है उसका पहला कॉलम होगा 1, 0, 0। ओके, तो यहाँ पर आप T of E1 कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, यहाँ पर टी नहीं आएगा, यहाँ पे एल आएगा, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें एल भी बन रहा है, तो मैं यहाँ पे एल कर लेता हूँ, एन हो जाएगा, ये भी एन हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा। अच्छा, एल ऑफ E1 कैसे फाइंड करेंगे, मैं ये कर देता हूँ, एल ऑफ E1 दिस इज इक्वल टू एल ऑफ हमारे पास जो E1 है उसकी एंट्रीज क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दी है 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये एंट्रीज होगी। अच्छा, इसमें x 1 है, y 0 है और z भी 0 है, यहाँ पर आप ये एल ऑफ दिस किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, यहाँ पर एक्स वाई और जी की वैल्यू पुट कर दें, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने एल ऑफ E1 ये फाइंड कर लिया, आप देख सकते हैं 1, 0, 1, और ये बेसिकली यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो इस ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम होगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉलम 1 ऑफ ए। ओके, सिमिलरली एल ऑफ E2 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल ऑफ E2 किसके बराबर है 0, 1, 0, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन R3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ R3 जो है उसका दूसरा कॉलम ये होता है 0, 1, 0। ये भी आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स वाई सी की वैल्यू पुट कर दें, एक्स 0 है और जेड भी 0 है, वाई की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एल ऑफ E2 की ये वैल्यू है। सिमिलरली एल ऑफ E3 की वैल्यू फाइंड करें, तीनों को यहाँ पे पुट करें तो वो मैट्रिक्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस तरह से हमने देखें ये मैट्रिक्स ए जो है वो फाइंड कर लिया। अच्छा, अब हमने वेरीफाई करना है, वो क्या कह रहे थे एग्जांपल में कि हमने वेरीफाई भी करना है कि एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, तो
वेरीफाई कैसे करें कि जो ए मैट्रिक्स आपने फाइंड किया है, इसको आपने यहाँ पे पुट किया और एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया। जब आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एल ऑफ एक्स के बराबर ही आता है। आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास है ये एल ऑफ एक्स के बराबर ही आता है, जो हमारे पास गिवन था। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें से भी हमने वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड करना है। हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि R2 से R2 पर है, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये R2 के हर पॉइंट को रोटेट कर देती है थ्रू एन एंगल phi विद काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन फॉर अ पॉजिटिव एंगल। वी कुड शो ज्योमेट्रिकली दैट सच अ ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर। फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स A ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि R2 से R2 पर है। ये बेसिकली R2 के हर पॉइंट को थ्रू एन एंगल phi जो है ना रोटेट करती है और काउंटर क्लॉक वाइज मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करती है। हमारे पास ये XY प्लेन है। इस XY प्लेन में हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया जिसको हमने कह दिया 1, ओके। और यहाँ पर एक चलो इस पॉइंट की हम बात पहले कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस पॉइंट को थ्रो एन एंगल phi जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करती है। सिमिलरली हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं जो कि 0, 1 है। R2 का पॉइंट है तो हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इस पॉइंट को भी थ्रो एन एंगल phi जो है वो रोटेट कर देगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो 1, 0 है, क्या इसको मैं अगर साइन और कॉस फॉर्म में लिखूं तो क्या इस तरह लिख सकता हूँ, कॉस 0 प्लस साइन 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये एंगल 0 होगा ना, तो यहाँ पे 0, 0 आ गया। अच्छा, अब जब इसको ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एन एंगल phi जो है वो रोटेट करेगी तो ये क्या बन जाएगा, cos phi प्लस साइन phi, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही लिखा हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 1, 0 जिसे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ने cos phi और sin phi में रोटेट कर दिया है। सिमिलरली ये एक और पॉइंट है 0, 1 जिसे गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि R2 से R2 पर है cos phi सॉरी थ्रू एन एंगल phi में रोटेट कर देती है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास ये जो 0 है, 0, 1 पॉइंट था, हमारे पास जो cos 90 होता है, cos 90 0 होता है ना, और प्लस साइन 90 हमारे पास 1 होता है, तभी हमारे पास ये 0 होता है, ठीक है। अब इसे आप थ्रू एन एंगल phi रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट हमने इसको और इसको, क्योंकि दो कॉलम्स है ना, उनको हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से विद हेल्प ऑफ फिगर भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वैसे मैंने फिगर से समझा भी दिया, ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव क्यों हुआ है, साइन phi नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में साइन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और cos पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे सॉरी एक बात मैं बताना भूल गया हूँ। इसमें ये ना हमारे पास ये 0, 1 जो पॉइंट है, जब इसे हम थ्रू एन एंगल phi में रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये दूसरे क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा ना, कोई और दूसरे क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का वो नेगेटिव होता है और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का वो पॉजिटिव होता है। इस वजह से यहाँ पे साइन phi के साथ नेगेटिव आया। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5, अ रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऑफ वेक्टर यू इन R2 इज डिफाइंड बाय। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास R2 के अंदर एक वेक्टर है यू, ठीक है, और एक्स एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्शन होती है वो हमारे पास गिवन ही है, ठीक है, ये x एक्सिस की अबाउट रिफ्लेक्शन। अच्छा, देन एल ऑफ e1 हमारे पास जो है वो 1, 0 के बराबर है, मतलब यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ना, हमारे पास R2 को हमने एक पॉइंट ले लिया 1, 0 जो कि हमारे पास e1 के बराबर होता है, इस पर हम l अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करें तो 1, 0 आ जाएगा। और एक और पॉइंट ले लिया या वेक्टर ले लिया R2 पे जिसे हमने e2 बोला है, एल ऑफ e2 की वैल्यू ये होती है, तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे, मतलब a1 की वैल्यू 0 पुट कर दें और a2 की वैल्यू 1 पुट कर दें, तो हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिजल्ट आएगा वो 0-1 आ जाएगा। एंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग l, हमारे पास ये वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो R2 है ना, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स होगा वो 2 प्लस 2 ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पर ये पहला हमारे पास उसका
कॉलम है उस मैट्रिक्स का, और ये दूसरा कॉलम है जिसका से हम पहले भी एक रेफरेंस फाइंड करते रहे, दोनों को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास ये वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने वेरीफाई करना है तो यहाँ पर एक ही वैल्यू पुट करें, जो वेक्टर हमारे पास गिवन है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है जो गिवन है हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ये 2 है। अच्छा, देन हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के हवाले से कुछ डिटेल गिवन है इस एग्जांपल की, इसको भी आप एक नजर देख लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देन हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2, जितनी भी एग्जांपल हमने की है इसमें से हमने कुछ जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी हमने की है कुछ यहाँ पे रोटेशन को शो कर रही है, कुछ हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्शन को शो कर रही है, ये मैंने साथ साथ आपको बता दिया। देन हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ PFX गोज़ टू B, कि किस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को जो है अप्रोच करती है, कि हम बता सकते हैं कि क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम बता सकते हैं कि क्या किसी सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या सॉल्यूशन नहीं है, मतलब क्या सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम बता सकते हैं। ओके, कुछ मेन डेफिनेशन हम देख सकते हैं। पहली डेफिनेशन देखें, अ मैपिंग T फ्रॉम Rn टू Rm इज सेट टू बी ऑन टू Rm इफ ईच B इन Rm इज द इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एक्स इन Rn। ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको डिटेल का फिगर समझा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे दो स्पेसेस हैं, एक हमारे पास Rn है और एक हमारे पास Rm है। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये Rn से Rm पर ऑन टू होगी, ऑन टू हमने ऑन टू फंक्शन के हवाले से पहले भी पढ़ा हुआ है, ऑन टू फंक्शन या ऑन टू मैट्रिक्स, ये ऑन टू Rm होगी अगर हमारे पास Rm का हर एलिमेंट जो है, लेट्स सपोज ये B एक एलिमेंट है, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए कम से कम एक एक्स जो है वो Rn में होना चाहिए, कम से कम एक एक्स ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ठीक है, अभी इसी चीज को हम जो है वो एक्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के साथ जो है ना वो रिलेट करते हैं। देखिएगा कैसे रिलेट करते हैं, T is on to Rm if for each B in Rm there exists at least one solution of PFX goes to B। देखिए ना, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मतलब PFX goes to B हमारे पास जो मैट्रिक्स की इक्वेशन है वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स की इक्वेशन है अगर हर b के लिए कम से कम एक x एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी ये Rn से Rm पर ऑन टू होगी। सही है, इस तरह से हमने रिलेट किया है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद द मैपिंग t, यहाँ पर हमारे पास यूनिकनेस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंसेप्ट भी है, लेकिन हमसे कहा है कम से कम एक x, जब एक x होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर एक से ज्यादा हो गए तभी तो वो ऑन टू ही होगा ना, लेकिन फिर वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें। अच्छा, देन हमारे पास द मैपिंग टी इज नॉट ऑन टू व्हेन देयर इज सम बी इन आरएम सच दैट द इक्वेशन पीएफएक्स इज इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन, मतलब एक्स की कोई वैल्यू आरएम में होगी नहीं जो कि बी का प्री इमेज होगा तो उसके इसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, तो इस वजह से इसमें तीनों केसेस डिस्कस कर दिए हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस ऑन टू की डेफिनेशन से हम किस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से हमने एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन की बात की। देन हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में हमारे पास वन टू वन फंक्शन की, या जिसे आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन, अ मैपिंग टी फ्रॉम Rn टू Rm इज सेट टू बी वन टू वन इफ ईच बी इन Rn इज द इमेज ऑफ एट मोस्ट वन एक्स इन Rn, मतलब हमारे पास जो मैंने आगे आपको विद हेल्प ऑफ फिगर समझाया था, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। हमारे पास ये Rn स्पेस है और ये हमारे पास Rm स्पेस है, ओके, और इस पर हम ट्रांसफॉर्मेशन या जिसे आप मैपिंग या फंक्शन कहते हैं वो हमने डिफाइन की है। वो क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास Rm के हर एक एलिमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा एक एलिमेंट जो है ना वो Rn में एग्जिस्ट करे, हम x कह देते हैं, उस केस में हमारे पास जो मैपिंग होगी ये वन टू वन होगी या बाइजेक्टिव होगी, ठीक है, विद हेल्प ऑफ जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस कांसेप्ट की हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। p इज वन टू वन इफ फॉर ईच b इन Rm है
इक्वेशन हमारे पास डी एफ एक्स इक्वल टू बी हैज आइदर अ यूनिक सॉल्यूशन और नन एट ऑल, ठीक है, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या हो ही, ठीक है। इस टी वन टू वन इज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिकनेस क्वेश्चन और कोड भी यूनिकनेस का क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चीज मैंने हाईलाइट की है, द मैपिंग पी इज नॉट वन टू वन व्हेन सम बी इन आर एन इज द इमेज ऑफ मोर देन वन वेक्टर्स इन आर एन। तो बेसिकली ये जो वन टू वन की डेफिनेशन है, इसमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसके यूनिक सॉल्यूशन की बात हुई है। ये आर एन के अंदर जो बीज है, हर बी के लिए एक यूनिक वे फ्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर एक से ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे तो उस केस में वो वन टू वन नहीं होगा। तो विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल भी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इस लेक्चर में आप ये एग्जाम्पल मैं करूंगा। लेट टी बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हूज स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इज, हमारे पास एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि हमारे पास आर फोर से आर थ्री पर है, और हमारे पास ये उसका स्टैंडर्ड मैट्रिक्स गिवन है जो कि हम पहले एग्जाम्पल में फाइंड भी करते रहे। डज टी मैप आर फोर ऑन टू आर थ्री, इज टी अ वन टू वन मैपिंग, देखिए इसमें आन टू और वन टू वन दोनों का क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हम आंसर करते हैं, सिंस ए हैपेंस टू बी इन एच एन एन फॉर्म, हमारे पास एच एन एन फॉर्म में है, ठीक है, वी कैन सी एट वंस दैट ए हैज अ पिवट पोजीशन इन ईच रो, हर रो के अंदर इसकी पिवट पोजीशन भी है, ठीक है। वी नो दैट फॉर ईच बी इन आर थ्री द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट, इन अदर वर्ड्स द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पी मैप्स आर फोर ऑन टू आर थ्री। देखिए ना हमारे पास यहाँ पे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, चलिए मैं आपको दिक्कत समझा देता हूँ। हमें पता है कि टी एफ एक्स जो है वो ए एक्स के बराबर होता है और दिस इज इक्वल टू बी, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और बी मैट्रिक्स को हम एक जनरल मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं बी वन बी टू बी थ्री। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इसका हम आर्गुमेंटल मैट्रिक्स बनाते हैं, वन माइनस फोर एट वन जीरो टू माइनस वन थ्री जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे फाइव आ जाएगा और कॉमा लगा दें और यहाँ पे बी वन बी टू बी थ्री। अच्छा, अब अगर आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्स थ्री है ना वो फ्री वेरिएबल होगा। जब एक्स थ्री फ्री वेरिएबल होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस सिस्टम के एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। जब एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें आर थ्री के हर पॉइंट के लिए एक से ज्यादा एक्स आर फोर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो कि आर थ्री के उस पॉइंट पे मैप करते हैं। तो मतलब आर टू वाला कंसेप्ट पूरा हो गया, मतलब आर टू तो मैपिंग होगी। अब वन टू वन हम चेक कर लेते हैं, अफकोर्स ये वन टू वन जो है वो नहीं होगी, जब एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं तो वन टू वन तो नहीं होगी। तो यहीं से हम इसको आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल की अंडरस्टैंडिंग होगी है। अगर आपको इस एग्जाम्पल की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे इस एग्जाम्पल की डिटेल जो है डिटेल सॉल्यूशन जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी शुरू में इसको भी आप देख लें, लेट टी बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एन जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन टी इज वन टू वन इफ एंड ओनली इफ द इक्वेशन पी एफ एक्स गोज टू जीरो हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे उसने बता दिया है कि अगर हमारे पास कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा, मतलब उस सिस्टम के अंदर कोई फ्री वेरिएबल नहीं होगा तो आपको उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। फिर जब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो बेसिकली वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होगी वो वन टू वन होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप देख लीजिए, इसके प्रूफ को मैं नहीं करा रहा, कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी आप देख लें। हमारे पास टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम बी टू डब्ल्यू, then kernel of t usually written as ker of t is the set of those elements in v which maps onto the zero vector in w। मतलब kernel of t को हम कैसे define करते हैं कि हमारे पास इस v vectors के वो सारे elements जो कि w vector के zero element पर map होते हैं onto map होते हैं उसको basically उन सारे elements को इकट्ठा करें तो kernel of t बन जाएगा। basically ये kernel of t का set है, ठीक है। मैं फिगर के मदद से भी आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये बी और डब्ल्यू दो सेट है, ठीक है, और इन पर टी डिफाइन है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वी के वो सारे एलिमेंट्स जो कि डब्ल्यू के जीरो एलिमेंट पर मैप होते हैं ऑन टू मैप होते हैं वो बेसिकली सारे एलिमेंट्स मिल के जो सेट बनाते हैं वो बेसिकली कर्नल ऑफ टी कहलाता है। अच्छा,
उसके बाद थोड़ी मार्च से इसको भी आप देख लीजिएगा, करला पी इज द सबस्पेस ऑफ बी, आप फोर्थ की सबस्पेस है, देखिए बी के अंदर सही है ना, तो बी की सबस्पेस होगी। टी इज वन वन इफ एंड ओनली कर्नल ऑफ टी इक्वल टू जीरो, देखिए कर्नल ऑफ टी जो है वो जीरो के जब इक्वल होगा मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो वन वन होगी। ऑफकोर्स जब देखिए ना बहुत सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट पर मैप हो रहे हैं ना, जब कर्नल ऑफ टी जीरो होगा मतलब कोई भी एलिमेंट जो है ना वो जीरो पर मैप नहीं होगा, मतलब सेट ऑफ एलिमेंट जीरो पर मैप नहीं होंगे। उस केस में जब कर्नल ऑफ टी जीरो होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको वन टू वन होगी, मतलब डब्ल्यू की हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक फ्री इमेज होना होगा ना उस केस में। अच्छा देन हमारे पास वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी जो इसका जो थ्योरम है उसको आप देख लें, इसको आप पढ़ लीजिएगा खुद से। वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान सी है, इसको आप देख लीजिएगा। लेट टी बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड लेट ए बी द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर द टी, देन टी मैप्स आर एन ऑन टू आर एन इफ एंड ओनली इफ द कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एन, मतलब कॉलम्स ऑफ ए जो है ना अगर वो आर एन स्पेस को जनरेट करते हैं तो बेसिकली ये जो टी होगी ट्रांसफॉर्मेशन आर एन आर एन से आर एन, बेसिकली ये क्या होगी, ये आन टू होगी, और टी जो है वो वन वन कब होगी, जब कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ये दो थ्योरम हैं, इनकी स्टेटमेंट आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। इससे रिलेटेड यहाँ पे इसके प्रूफ को मैं नहीं करा रहा, इससे रिलेटेड यहाँ पे एग्जाम्पल है उसको आप देख लें। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर सेवन है, इसने एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है टी ऑफ एक्स वन कॉमा एक्स टू इज इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू कॉमा फाइव एक्स वन प्लस सेवन एक्स टू कॉमा एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू, शो दैट टी इज वन टू वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डज टी मैप आर टू ऑन आर थ्री। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास लीनियर फॉर्म बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए है इसके कॉलम जो है एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये वन टू वन होगी, यहाँ पे लिखा भी है। सो टी इज इंडीड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद इट्स स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए शोन इन फोर, द कॉलम्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज दे आर नॉट मल्टीपल्स, ओके, एंड टी इज वन टू वन। टू डिसाइड इफ टी इज ऑन टू आर थ्री, अब चेक आप करना चाहते हैं कि टी जो है वो ऑन टू मैपिंग भी है कि नहीं, we examine the span of columns of A. Since A is 3 cross 2, A हमारे पास जो है इसका ऑर्डर 3 cross 2 है, the columns of A span R3. If and only if A has 3 pivot position. देखिए वो क्या कह रहा है कि जो columns of A है कि R3 को span कब करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे 3 pivot position हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 rows हैं, 3 pivot position हो, उस केस में ये R3 को span करेगा, क्योंकि impossible है, 3 हमारे पास में pivot position कभी भी नहीं हो सकते, उस वजह से ये ऑन टू मैपिंग नहीं है, यहाँ पे लिखा भी है। सो द कॉलम्स ऑफ ए डू नॉट स्पैन आर थ्री एंड एसोसिएटेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ऑन टू आर। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर में जो चीजें हमने डिस्कस की है वो आपको अंडरस्टैंड होगी है। आप यकीन करें कि रोजे की हालत में मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, ये आसान नहीं है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो पाएंगे मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।